तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये वाला वीडियो कैसे बना सकते हो जो कि टिकटॉक पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और इसमें मैंने अपने तरफ से 2-3 इफेक्ट और ऐड कर दिए हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू और टिकटॉक पर पॉपुलर हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा फ्रेम। तो आपको ये वाला फ्रेम चूज़ करना है क्योंकि आप बनाने वाले हो टिकटॉक के लिए वीडियो। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक वीडियो ऐड करना है जो कि आपको शूट करने में, आपको प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो गाइज आप कैसा भी वीडियो शूट कर सकते हैं, उससे नहीं मतलब है आप कैसा वीडियो शूट कर रहे हैं, बस बात ये होनी चाहिए कि आपके वीडियो में जो बादल है वो अच्छे से आना चाहिए और आपका वीडियो थोड़ा शाम के टाइम में शूट होना चाहिए, क्योंकि आपका वीडियो थोड़ा काला टाइप में आना चाहिए और बादल का वीडियो एकदम अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको एक वीडियो ऐड करना है, यहाँ से जहाँ से मैंने हाथ को किए वहीं से एक वीडियो आपको ऐड करना पड़ेगा लेयर पे जाके। तो ये इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये एक बादल का वीडियो जिसमें बादल का धुआं जो है वो चलते हुए रहता है। तो यहाँ से हम इसको जूम करते हैं अपने बादल के साइज़ में, जितना बड़ा हमारा बादल है वो साइज़ में आपको जूम कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे वीडियो को आपको एकदम ध्यान से समझना है, नहीं तो आप बना नहीं पाओगे। उसके बाद जाना है ब्लेंडिंग में, ब्लेंडिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओवरले पे क्लिक कर देना है। तो आपका वीडियो बन जाएगा कुछ ऐसा, मैं आपको हल्का सा यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बादल जो है वो थोड़ा सा चलने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो इस वीडियो को अब आपको अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। दोस्तों आपको यही स्टेप फॉलो करना, नहीं तो आपका वीडियो बन नहीं पाएगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है। तो इसको सेव करने के बाद इन दोनों को डिलीट करके जो अभी आपने सेव किया था वो वीडियो यहाँ पे फिर से ऐड करना है, जो अभी आपने सेव किया था वो वीडियो ऐड करने के बाद इसका जो लेयर है आपको जूम कर देना है। इसको जूम करने के बाद मीडिया पर जाना है और मीडिया पर जाने के बाद इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे एक वीडियो ऐड करना पड़ेगा। जो वीडियो आपको डाउनलोड करना है आपको अपने नाम का वीडियो डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से A to Z तक सबके नाम के वहाँ पर लेटर मिल जाएंगे, आप अपने नाम का लेटर कट कर लेना, मैं वीडियो का लिंक डाल दूँगा। उसके बाद गाइज इसको जूम करना है और यहाँ पे आना है क्रोमा की वाले ऑप्शन पे। आपको क्रोमा की वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको इसका ग्रीन कलर हाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनेबल करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि ये कौन से कलर में है। तो आपको इसको ग्रीन कलर कर लेना है क्योंकि आपको हाइड करना है ग्रीन कलर। तो इसको ग्रीन कलर में करने के बाद इसको इनेबल कर देना है और इसको थोड़ा सा दोस्तों सेट कर लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, जब यहाँ पे एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा इसको कर देना है छोटा। ये जो आपको नेम दिख रहा है इसको सबसे पहले हम छोटा कर लेते हैं। तो आपको इसको यहाँ पे छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद गाइज ये जो आपका लेयर दिख रहा है यहाँ पे आपको एक जगह पे कटिंग मार रहे हैं। तो आपको कहाँ पे कटिंग मार रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको आना है जहाँ से मैं बादल की तरफ हाथ को इशारा कर रहा हूँ वहाँ से मैं इसको कट मार दूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको कट करके छोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है, कट करके छोड़ देना है इस पार्ट को। उसके बाद यहाँ पे दूसरे पहले वाले पार्ट में आपको स्टार्टिंग में जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चाबी का ऑप्शन, मैं यहाँ पे मार्क लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस इस लेटर को छोटा करना है, जो हमारा नाम है जो ए का नाम है इसको छोटा करके हमारे हाथ पे ला के सेट कर देना है। सेट करने के बाद गाइज बिल्कुल इसको थोड़ा सा लेयर को आगे बढ़ाना है और यहाँ पे जहाँ पे हमारा हाथ मूव करते हुए जाएगा, जहाँ जहाँ पे इस लेयर को हम वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उस लेटर को वहाँ पे सेट करते हुए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जब भी हाथ मेरा थोड़ा उधर जा रहा है तो मैं इस लेटर को वहाँ पर सेट कर दूँगा। तो आपको एकदम अच्छे से सेट करते हुए जाना है। इस स्टेप को गाइज आपको एकदम ध्यान से करना है, जैसे आपका हाथ थोड़ा सा उधर होता है आपको वहाँ पे उस लेटर को ले जाकर सेट कर देना है। आप देख सकते हैं मैं कैसा कर रहा हूँ। तो आपको इस लेयर को आगे बढ़ाते हुए जाना है, जैसे आपका हाथ थोड़ा सा आगे जाता है तो आपको उस लेटर को वहाँ पे ले जाकर सेट कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा हाथ अभी यहाँ पर आ गया तो मैं इसको यहाँ पर लाकर सेट कर देता हूँ। उसके बाद गाइज जब आप दूसरे हाथ को आसमान की तरफ करोगे तो वहाँ पे उस हाथ पे ले जाकर इसको सेट करना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करना है और जब मैं पूरा हाथ करूँगा तो आपको और ज़्यादा जूम कर देना है। उसके बाद गाइज आना है हमारा जो दूसरा लेयर है जो हमने कट करके छोड़ा था, उस दूसरे वाले लेयर पर हमको यहाँ पर क्लिक करना है और उसको उतना जूम कर देना है जितना जूमिंग आप रखना चाहते हैं अपने नेम के लेटर में, आपको उतना जूमिंग यहाँ पर रख देना है। उतना जूमिंग रखने के बाद गाइस यहाँ पे सही के निशान पे क्लिक कर देना है, इसको ओके कर देना है। उतना जूमिंग रखने के बाद जितना जूमिंग आप रखना चाहते हो आप उतना जूमिंग यहाँ पे सेट करने के बाद
यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, तो उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे आना है, डार्केन वाले ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको डार्केन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको डार्केन कर देना है। डार्केन करने के बाद आपका वीडियो कुछ झक्कास बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको वीडियो झक्कास बनने के बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, तो आपको और स्टेप बता देता हूँ मैं जल्दी से, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ से जहाँ से मैंने दूसरा हाथ आसमान के तरफ इशारा किया हुआ है, आप देख रहे हैं मैंने दूसरा हाथ, वहीं पे सेट करके आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे जाना है। और यहाँ पे आपको एक और वीडियो ऐड करना है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बैलून है जिसमें बैलून उड़ता है आसमान की तरफ, ये एक इफेक्ट मैंने अपने तरफ से डाला है, बहुत ही अमेजिंग लगेगा आपका वीडियो। तो इसको भी क्रोमा की से हम इसका भी ग्रीन कलर हाइड कर देंगे, तो आपको इसका भी ग्रीन कलर यहाँ पे हाइड कर लेना है। हाइड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको छोटा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सेटिंग कर देना है ताकि ग्रीन कलर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे। उसके बाद गाइज इस वीडियो को हम कर लेंगे छोटा, छोटा करने के बाद आपको इसको जितना बड़ा आपका आसमान है वहाँ पर ले जाकर इसको सेट कर देना है। आपको एकदम ध्यान से और एकदम अच्छे से यहाँ पे सेट करना है, आपको इधर उधर नहीं करना है। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग पे, इस पर जाना है और यहाँ पे आपको ओवरले पे क्लिक कर देना है, नहीं तो आप ये वाला डार्किन वाला रख दो, डार्किन वाला ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। उसके बाद गाइस बस आपका वीडियो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, मैं आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। अब आप इसको टिकटॉक पर अपलोड कर सकते हो और आपका वीडियो हो सकता है वायरल। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे को।